नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? दोस्तों उम्मीद करते हैं कि माता रानी के आशीर्वाद से आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जी दोस्तों, दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आने वाले 24 घंटों के अंदर ग्रहों में बहुत ही चमत्कारिक परिवर्तन होने वाले हैं, जो कि दोस्तों आप सभी के जीवनकाल से सारी बुराइयों का अंत कर देगा। जी दोस्तों, एक प्रकार से कहें आपके जीवनकाल में जो विपरीत ग्रह थी, जो अत्रुत ग्रह थी, जो पाप को लेकर आपके जीवनकाल में बढ़ावा देती थी, दोस्तों उस पाप का जो लोटा है यश में भर चुका है और वह बुराई आपके जीवनकाल से खत्म होगी, वह परेशानी आपके जीवनकाल से खत्म होगी। यूँ कहें तो ग्रहों का जो चमत्कारिक परिवर्तन है, जो आपके ग्रहों में विपरीत ग्रह छुपे हुए थे, दोस्तों यश में उनका पाप का लोटा भर चुका है और वह आपकी कुंडली से हटने वाले हैं और चमत्कारिक परिवर्तन आने वाले 24 घंटों के अंदर आपके कुंडली पर होने वाले हैं, जिनसे दोस्तों आप शिव की जुनकाल में खुशियों की बौछार होगी आने वाले 24 घंटों के अंदर। जी दोस्तों, और दोस्तों इन शिव के लिए आपको कौन कौन से विशेष बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि दोस्तों जहां ग्रहों का चमत्कारिक परिवर्तन हुआ है, वहीं पर दोस्तों आपको भी अपने जीवनकाल में कुछ ना कुछ परिवर्तन करना चाहिए, कुछ विशेष बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए आने वाले 24 घंटों के अंदर। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज का यह वीडियो ग्रहों की पूरी विश्लेषण और पंचांग की गणना करने के बाद विशेष तौर पर आप सभी के लिए बनाया गया है। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आने वाले 24 घंटों के अंदर जो ग्रहों का यह बदलाव है, आपके घर के माहौल में कौन कौन से सुधार करेंगे, कौन कौन सी चीज़ों में आपको लाभ मिलने वाले हैं, आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा आने वाले 24 घंटों के अंदर, प्रत्येक जानकारी देंगे वो भी ग्रहों के गोचर पर आधारित। दोस्तों साथ ही कुछ विशेष सावधानियां हम आपको बताने वाले हैं, जो कि दोस्तों आने वाले 24 घंटों के लिए आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होगा। तो दोस्तों इन्हें बिल्कुल ही मिस ना करें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले दोस्तों सर्वप्रथम जो भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्चे हृदय भाव से जय माता दी लिख दें। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा, जीवनकाल में कल्याणकारी स्थितियां बनती रहेंगी और हमेशा आप खुश रहेंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं आपके जीवन काल की एक बहुत ही बड़े शिख के बारे में। दोस्तों अगर आप इन्हें अपने जीवनकाल में ढाल लिए तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवनकाल की सारी परेशानियां चुटकियों में खत्म हो जाएंगी और इस बात का आपको आभास भी होगा। तो दोस्तों जरूर आज इस बातों को गौर सुने कि दोस्तों एक स्त्री थी, उसे बात बात पर गुस्सा आ जाता था। उसकी इस आदत से पूरा परिवार परेशान था, उसकी वजह से परिवार में कलह का माहौल बना रहता था। एक दिन उस महिला के दरवाजे पर एक साधु महाराज आए। महिला ने साधु को अपनी समस्या बताई। उसने कहा, महाराज मुझे जल्दी ही गुस्सा आ जाता है, मैं चाहकर भी अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख पाती, कोई उपाय बताइए। साधु ने अपने झोले से एक दवा की शीशी निकालकर उसे दी और बताया कि जब भी गुस्सा आ जाए इसमें से 4 बूंद दवा अपनी जीभ पर डाल लेना, 10 मिनट तक दवा को मुंह में ही रखना, 10 मिनट तक मुंह नहीं खोलना है, नहीं तो दवा असर नहीं करेगी। महिला ने साधु के बताए अनुसार दवा का प्रयोग शुरू किया। 7 दिन में ही उसकी गुस्से करने की आदत छूट गई। 7 दिन बाद वह साधु दरवाजे पर आया तो महिला पैरों पर गिरकर रो पड़ी। उसने कहा, महाराज आपकी दवा से मेरा क्रोध गायब हो गया, अब मुझे गुस्सा नहीं आता और मेरे परिवार में भी शांति का माहौल बना रहता है। तब साधु महाराज ने उसे बताया कि वह कोई दवा नहीं थी, उस शीशी में केवल पानी भरा था, गुस्से का इलाज केवल चुप रहकर ही किया जा सकता है। और दोस्तों आपको भी अपने जीवनकाल में बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो दोस्तों जब भी गुस्सा आता है तो दोस्तों आप चुप रहने का प्रयास करें, दोस्तों जरूर ही आपकी समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। तो दोस्तों आज का यह ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो, इनसे सीख मिली हो, तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आइए दोस्तों इसके साथ बात करते हैं कि आने वाले 24 घंटों के अंदर जो ग्रहों में चमत्कारिक परिवर्तन हुआ है, आप शिव की जीवनकाल में आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, आपके लव लाइफ, स्वास्थ्य में कौन कौन से सुधार आने वाले हैं, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाले हैं, चलिए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों शुक्र का गोचर होने से यश में आप खुद को हर मौके पर सक्रिय अवस्था में पाएंगे, जिसके चलते आपकी काम करने की जो है समझ में निखार आएगा और आप हर कार्यों को समय से पहले पूरा करने के लिए तैयार रहेंगे। वह दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी नेगेटिव के लेकर बात करें तो समय व फिर परिस्थिति को देखते हुए आपको कार्य करना चाहिए। अपने घर परिवार के सदस्यों पर पूर्ण विश्वास करते हुए आपको यश में कार्यों को पूरा करना चाहिए। माता पिता से संबंध मधुर बनाए रखने की प्रयास करें तथा माता पिता के स्वास्थ्य की चिंता करें।
किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न होने पर आप उनका ख्याल रखें। दोस्तों, इन दिनों में ये जो समय है आपके लिए इच्छा शक्ति और आत्मबल से परिस्थिति पर विजय पाने का समय होगा। दोस्तों, जो स्थितियां आपके लिए अभी विपरीत लग रही है उनमें आप अपने लिए सकारात्मक जो है पल ढूंढ पाएंगे, लेकिन कुछ समस्याएं हैं जिनको हैंडल करने में सक्षम नहीं रह पाएंगे। दोस्तों, अपनी कोशिशों को थोड़ा और तेज करें और रचनात्मकता दिखाने का यह अवसर होगा। वही दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो ये जो समय है आपके प्रयासों की सराहना होगी। आप ये समय अधिक प्रयास करें और बॉस आपके कार्यों की सराहना करेंगे, बॉस आपके काम को देखेंगे और उनसे संतुष्ट भी यश में रहेंगे। दोस्तों, ये जो समय है कार्य क्षेत्र के लिए समय बहुत ही उत्तम रहेगा। इस दौरान आप मन लगाकर अपने कार्यों को पूरा करेंगे, आप सही योजनाएं बनाएंगे और सही दिशा में आगे यश में अपना कदम बढ़ाएंगे। उनमें सफल भी आप यश में हो सकते हैं, केवल आप इसमें प्रयास जारी रखें। वह दोस्तों, इन दिनों में आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो आपके प्यार के रिश्ते में एक जादुई एहसास छा रहा है। इसकी खूबसूरती आप यश में जो है महसूस कर सकते हैं। संभव है कि आध्यात्मिकता की ओर जो है तीव्र खिंचाव महसूस होगा। साथ ही दोस्तों, मुमकिन है कि यह जो समय है किसी योग जो है कैंप में जाना पड़ सकता है, किसी धर्मगुरु के प्रवचन सुनने के योग बन रहे हैं या फिर कोई आध्यात्मिक आप पुस्तक यश में पढ़ सकते हैं। दोस्तों, यह जो है समय है अनावश्यक रूप से किसी पर आप अधिकार जमाने का प्रयास बिल्कुल ना करें। इससे जो है आपके रिश्ते पर इनका असर पड़ सकता है और आपका रिश्ता यश में टूट सकता है। तो दोस्तों, इनका आप यश में खास ध्यान रखें। वही दोस्तों, यश में आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो ये जो समय है आपके लिए दिन है कंधों में तकलीफ या फिर दर्द हो सकता है। दोस्तों, इन दिनों में संतान के स्वास्थ्य की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों, यश में आपका जो है भाग्यशाली रंग रहेगा आसमानी और भाग्यशाली अंक रहेगा 9। वही दोस्तों, यश में ऑफिस में आपकी सृजनात्मकता की खूब प्रशंसा होगी और आपको प्रतिष्ठा भी मिलेगा। आप अपने श्रेष्ठ प्रयत्नों द्वारा काम करेंगे, परंतु आपका जो मूड है यश में बारंबार परिवर्तित होता रहेगा। परिणाम स्वरूप गुस्से के कारण आपकी जो है पूर्णता के द्वार पर पहुँचता हुआ काम बिगड़ सकता है। यानी दोस्तों, काम पर आप पहुंचते पहुंचते इसमें आपका काम खराब हो सकता है। इसलिए दोस्तों, इसमें आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, अपने वाणी पर जो है इसमें संयम रखें। गणेश जी भी आपको इसमें दिलो दिमाग को काबू में रखने की सलाह देते हैं। वही दोस्तों, इसमें आपकी धन को लेकर बात करें तो आप भाग्य पर निर्भर होंगे, क्योंकि अन्य लोग आपके कार्यों को पूरा करने के लिए जो है प्रयासों को पहचान नहीं पाएंगे। गणेश जी कहते हैं कि भाग्य पर भरोसा नहीं करें, क्योंकि कर्म आपके भाग्य को प्रभावित करता है। अपने ऊपर भरोसा रखने से आप निश्चित रूप से लंबे समय तक सकारात्मक परिणाम प्राप्त करेंगे, गणेश जी प्रेरित करते हुए कहते हैं। वही दोस्तों, यश में आपकी पारिवारिक जीवन की बात करें तो अपने प्यार को व्यक्त करने के ख्याल से ही आपका दिल तेजी से धड़कने लगेगा। आप उसे अपनों तोहफा द्वारा गदगद कर सकते हैं। दोस्तों, यश समय आप पहले अपने पीर की चाहतों को जानें। यदि आप उसके साथ एक जो है दीर्घकालिक प्रतिबद्धता बनाना चाहते हैं तो दोस्तों, ये जो समय है आप अपनी जो है साथी का पसंद या फिर नापसंद का ख्याल रखें, गणेश जी ऐसा कहते हैं। वही दोस्तों, ये समय आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर बात करें तो भाग्य आपके वित्तीय मामलों पर भाग्यशाली रहेगा। खर्चों के प्रति आपका जो सकारात्मक दृष्टिकोण आपको सही निर्णय लेने में यह समय मदद करेगा। यह समय आप कुछ भी खरीदने या फिर बेचने के लिए छानबीन करेंगे। वही दोस्तों, यह समय आप अपने प्रयासों के जरिए वांछित परिणाम भी प्राप्त करने के लिए तत्पर रहेंगे। भाग्य की देवी आप पर मेहरबान है। दोस्तों, आपका मूड एक ऊंचा जो है स्विंग लेगा और स्वास्थ्य यश में ठीक रहेगा। वही दोस्तों, यश में आधिकारिक और मन बहलाने वाली मनोरंजक यात्राएँ आपके लिए सुखद और उपयोगी साबित होंगी। दोस्तों, इन दिनों में आप सकारात्मक रूप आपके लिए जो है आपके आसपास के लोगों को प्रभावित करेगा। यह समय बोलते समय और वित्तीय लेन देन करते समय आप सावधानी बरतें, ये इसकी जरूरत होगी। दोस्तों, यह समय आपके दोस्त या फिर सहयोगी कोई बढ़िया योजना बनाकर आपके इन दिनों को खुशनुमा कर देगा। यह समय आप कोई दिल टूटने से बचा सकते हैं। दोस्तों, कामकाज के मोर्चे पर आपकी जो है कड़ी मेहनत जरूर रंग लाएगी। दोस्तों, यह समय साफ गोई से अपने मन की बात कहने से आप न घबराएं। वही दोस्तों, ये दिन आपके जीवन में वसंत काल की तरह है, रोमांचक व फिर प्यार से भरा रहेगा।